नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी वंस अगेन। सर, आज ये दूसरा शो है अपना। आज तो मैंने पकड़ा हुआ है आपको, आपके पास भी टाइम है और मैंने भी आज छुट्टी ली हुई है इसी कामों के लिए कि आज आपको छोड़ना नहीं है। और टॉपिक हमारा वही है, राहुल गंदगी एंड फैमिली। आज राहुल के बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि जैसे इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है पूरे देश के अंदर पनौती की, ये पनौती कौन, सबसे बड़ा पनौती कौन, तो आज इसके ऊपर थोड़े धज्जे उड़ाते हैं कि राहुल गंदगी की। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा पागल सा पागल पागल वाली हरकतें करने लग गया, पागलों वाली स्टेटमेंट देता है? ये चक्कर क्या है कि ये पागल क्यों हो गया इतनी जल्दी? अभी तो ईडी ने सिर्फ इनकी 750 करोड़ की प्रॉपर्टियां अटैच करी हैं, सिर्फ 750 करोड़ की। इनके पास तो 7 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी होनी है, तो ये 750 करोड़ में ही दिमाग खराब हो गया इनका? नहीं, 750 करोड़ में खराब नहीं हुआ है ये। असल में इनको जो अपनी रॉयल फैमिली वाला ट्रीटमेंट मिलता था वो सब बंद हो गया है, इसलिए इनको लगता है। अब तो क्या है, लाइन में लगना पड़ता है एयरपोर्ट पे, बाहर कहीं जाओ कहीं भी जाओ तो आपको एज ए कॉमन मैन ट्रीटमेंट मिलता है, वो VIP ट्रीटमेंट मिलना बंद हो गया है सब जगह। अब्रॉड भी जो इनको मिलता था वो सारा बंद हो गया है। तो एक तो चिड़ वो है, दूसरा पार्टी 14 के बाद लगातार हार का मुंह देख रही है लोकसभा में, राज्यों में भी धीरे धीरे इनकी पकड़ खत्म होती जा रही है, और इनकी जो पार्टी पे पकड़ थी वो भी खत्म होती जा रही है। जो क्षेत्रीय सत्रप हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं और इनकी सुनते नहीं है। उदाहरण राजस्थान से बढ़िया उदाहरण कोई नहीं है कि जहां अशोक गहलोत अपनी चलाते हैं इनकी कुछ नहीं सुनते हैं। हाईकमान दो लोगों को भेजता है पर्यवेक्षक बना के, उनसे मिलने तक नहीं जाते हैं और अपनी अलग वो कर लेते। तो ये बताता है कि पार्टी से भी इनकी पकड़ खत्म हो रही है। असल में पार्टी से इनको लेना देना नहीं है, इनको कांग्रेस पार्टी के नाम से जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे ख्याल से अरबों रुपए में है अक्रॉस द इंडिया। तो वो प्रॉपर्टीज और जो पैसा है बैंकों में जमा है, FDs है, वो सब इनके हाथ से निकल जाएगी। इनकी पैसे की जो हवस है वो खत्म होती नहीं है। अभी जो बहादुर शाह जफर मार्ग पे नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग थी उससे 87 लाख रुपए किराया हर महीने आ रहा था सर, सिर्फ एक बिल्डिंग से। तो ये किराए किराए में कितना कमा रहे थे उससे, 752 करोड़ तो मतलब टोटल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू थी। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी इनके पास कांग्रेस की बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में बहुत पैसा है, इन सब पे धीरे 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 आंच पहुंच रही है। मोदी जी ने क्या करा है, पतीला चढ़ा दिया है, आंच अभी थोड़ी धीमी है। जैसे जैसे आंच तेज होती जा रही है वैसे वैसे इनको गर्मी महसूस होती जा रही है और ये बिल्कुल पागल जैसे हो रहे हैं। गर्मी अब इनसे सहन नहीं होती बन रही है। पहले तो बहुत मद्दी आंच थी तो फूंक मार के और कैसे भी काम चला लिया, पर अब क्या है आज तेज होती जा रही है और इनको ये डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमको, आज तो कृष्ण जन्मभूमि गए हैं तो मोदी जी कहीं हमको कृष्ण जन्मभूमि में ही ना बिठा दें। इनका हाल तो वैसे वही होना चाहिए कि जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था जेल के अंदर, इनका भी जो है ना, इसका भी जो बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी वो जेल भी पैदा होगी। मुझे लगता है इसका हाल वही हो रहा है। सर, इन्होंने जो पनौती वाला वर्ड यूज किया, ये पनौती पनौती बोलते रहते हैं मोदी जी को, हम समझते हैं ये सिर्फ उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 में भी इन्होंने कोशिश करी कि भाई राफेल का मुद्दा उठा लिया, अभी एक साल से अदानी दानी करता रहा, अभी ये दोबारा से उनको पनौती बोलना शुरू कर दिया। भाई कांग्रेस से बड़ी पनौती कौन हो सकती है और राहुल गांधी से बड़ा पनौती कौन? भाई 14 में आया हार गई, 19 में आया तो हार गई। सोनिया गांधी जब से इस देश में आई है पहले अपनी सास को खा गई, फिर पति को खा गई, देवर को खा गई, भाई उसके बाद देश को भी खा गई। तो आप इससे बड़ा पनौती कौन? और उससे आपको याद होगा 83 में या 82 में हमारे यहाँ पर एशियन गेम्स हुई थी, 83 में हुई थी 82 में हुई थी वो एशियन गेम्स 82 में जब एशियन गेम्स हुई तो हमारा हॉकी का फाइनल था पाकिस्तान इंडिया का, उसको देखने के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों गए थे। इंडिया उसमें 7-2 या 7-1 से हार गया था
और ये वहां वहीं बैठे हुए थे। हॉकी में तो उस वक्त हम जीत सकते थे, लेकिन ये पनौती गए, हम हार गए। तो ये मोदी जी को बोलते हैं एक मैच हारने के बाद की, क्योंकि मोदी जी गए थे, पनौती थे तो हार गए। तो आपकी फैमिली से बड़ी पनौती तो कोई है ही नहीं, ये उसके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते? ये देश को खा गए सर, इतनी बड़ी पनौती है ये। 1947 से इस देश को पनौती लगी है, जवाहरलाल नेहरू से लेके तो अभी राहुल गांधी तक, ये सारे के सारे पनौती है। अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने देश के टुकड़े करे, देश के हितों को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रख दिया। तो सबसे बड़ी पनौती तो ये खुद है, एक दूसरों को पनौती कहते हैं। यस, मोदी इज पनौती फॉर कांग्रेस, फॉर गांधी फैमिली। और ये ऐसी पनौती है कि 14 से जब से आए हैं, जहां इन्होंने पांव रखा है वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। जब से 2001 से मोदी ने सत्ता संभाली थी गुजरात में, आज तक कांग्रेस की वह एंट्री बैन है। कांग्रेस पूरा जोर लगा लेती है, नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में तो मोदी जी आए, इसके बाद दूसरी पार्टियों को भी साफ किया है, पर कांग्रेस तो वहां 30-32 साल से बाहर है। कांग्रेस ने जहां जहां से साफ हुई है, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका में दुर्भाग्य से हिंदुओं के लालच के कारण वो दोबारा आ गई सत्ता में, केरला में, क्योंकि पढ़े लिखों को क्या है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि अकल का अजीरण है, तो जो अकल के अजीरण वाले लोग हैं केरल में, ज्यादा बुद्धिमान है, हर चीज में अपना नुक्स निकालना वो उनकी आदत हो जाती है, और अब मरेंगे भी सही। वो पूरा पूरा वो मुस्लिम स्टेट होने में मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल से ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो वहां के जो हिंदू हैं, जो कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को जिताते रहे, वो अपना परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाएं, बहुत स्पष्ट बात है। और पनौती इनके सारी जो आर्म्स लॉबी थी, जिससे इनको कमीशन मिलती थी, तो वो सारी लॉबी को इन्होंने घर पे बैठा दिया है। कोई जेल में है, कोई लंदन भाग गया है, कोई कहाँ भाग गया है, तो वो भी इनको बड़ी चोट पहुंची है। हर सौदे में इनको कमीशन मिलती थी, वो सारी कमीशन बंद हो गई है। अरे मेरा ये कहना भाई, इतना पैसा है, आराम से ऐश करो, इटली चले जाओ, देश भी चैन से सुख चैन की नींद सोएगा, तुम भी सुख चैन की नींद सो यार। मतलब ऐसे पनौती हो तुम, ना खुद चैन से बैठते हो, ना लोगों को चैन से बैठने देते हो। कोई ना कोई नई टूल किट, हर महीने एक नई टूल किट, हर महीने एक नई टूल किट। अरे कब तक चलाओगे, पागल हो गए भाई? आगरा में या रांची में इसको दिखा दो यार बंदे को। मेरी कांग्रेसियों को सलाह है, और सुबोध कांत सहाय रांची में है, इनके बड़े नेता सुबोध कांत सहाय से मैं कहता हूँ कि भाई इसको रांची के पागल खाने में जब भर्ती करवा दे, थोड़े दिन इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हरमंदर जी, मोदी जी इनको छोड़ने वाले नहीं है, ये बाहर भागने की भी कोशिश करेंगे। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उनकी एक एक बात बहुत वजन होता है, कि जिसने देश का नमक खाया है, पैसे खाए हैं, तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। जब तक ये सारे पैसे मोदी जी इनकी जेब से निकलौते नहीं है, तब तक वो भी छोड़ने वाले नहीं है। और इनको भी मालूम है कि पैसे दिए बिना हम जा नहीं सकते, इसलिए यहीं पे सड़ते रहो और देश को खराब करते रहो। सेकेंडली, कहीं ना कहीं देखिए, इतना पैसा कमाया है, हमें भी सबको मालूम है कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो लालच है, जैसे आपने बोला, इतनी पैसे की हवस है इनको, कि इनको ये है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और प्रधानमंत्री का मतलब है इनके लिए परमानेंट मनी, पीएम का मतलब तो ये है, पीएम का है परमानेंट मनी, इनकी जेब में आता रहेगा। और रिमोट कंट्रोल की सरकार में हमने देख लिया, ये पोल डांसर कैसे इसने मनमोहन सिंह को अपने सामने पोल डांस कराया इसने 10 साल, और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई और हर चीज में घोटाले भी। 1 लाख करोड़ से नीचे तो इनको लगता था घोटाला है ही नहीं, उसके नीचे तो था कि ये तो यार छोटी मोटी चीज है, हमारे पास बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी 2G 3G 4G अंकल जी जीजा जी ये सारा कुछ चलता था। और अब ये इतना बुखलाए हुए हैं, पागलों वाली हरकतें करनी शुरू कर दी, कि मोदी नफरत में इन्होंने देश से भी नफरत करनी शुरू कर दी। अब आप देखिए कैसी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे इन्होंने ये स्यापा शुरू कर दिया आरक्षण का। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा अपीजमेंट के ऊपर इतने चले गए हैं कि देश को टूट जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा ये कुछ कर पाएंगे अब नहीं हो सकता है। अब पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, अब वो प्रिंट मीडिया वाला जमाना नहीं है जिसका पैसे दे के अपनी मनमानी खबर छपा ली और लोग उसको हरिश्चंद्र की वाणी समझ के सच मानते थे कि नेहरू जी बहुत महान थे, गांधी जी बहुत महान थे, बाकी इनके अलावा कोई महान हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। और इतने चरित्रवान थे कि नेहरू जी किस डिसीज से मरे ये आज तक किसी को पता नहीं है, और गांधी जी कितने
ब्रह्मचारी थे, उन्होंने खुद अपनी एक किताब में लिखा है ब्रह्मचर्य से मेरे प्रयोग, तो वो सारे लोगों को पढ़ने में नहीं मिलती थी किताब, कई किताबों पर तो इन्होंने बैन लगा रखी थी। अब वो सब बाहर निकल के आ रहा, सोशल मीडिया पे सारी चीजें अवेलेबल है, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा पब्लिक के सामने आ चुका है। पर मेरा उन लोगों से निवेदन है, भाई साहब आप इस परिवार को वोट देते हो, क्या समझ के वोट देते हो भाई, हिंदुस्तान के टुकड़े करवा इसलिए, हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया इसलिए, देश को लूट खाया इसलिए, कि आपके धर्म को हर जगह नीचा दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं, सनातनियों के पीछे पड़े हैं उसके लिए, मुसलमानों का राज करवाना चाहते हो इसलिए, क्या क्या समझते हो आप, छोटे से पैसों के मोह के कारण आप इस परिवार को जितवा रहे हो। ये तो चले जाएगा अपनी दुकान समेत के इटली, फिर रहना आप ही लोगों को है, मुसलमान कहीं जाएंगे तो 57 देश से वो मुसलमान भी मुसलमान को लेने को तैयार नहीं है, तो मुसलमान भी जो दे रहे हैं, थोड़ा अपनी बुद्धि लगाएं कि यहाँ से पिटेंगे तो जाएंगे कहाँ। आप किसी को एक हद से ज्यादा दबाएंगे, किसी को हद से ज्यादा बेइज्जत करेंगे तो वो विद्रोह करेगा, ऐसी नौबत ना आए कि हिंदू भी हथियार लेके खड़ा हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि ऐसी नौबत बहुत जल्दी आने वाली है कि कांग्रेसी गली गली में पिटेंगे। सर हमने भारत में देखा है जब जब इन्होंने हिंदुओं को दबाने की कोशिश करी, हमने कभी या तो राजपूत खड़े हो गए या सिख कम्युनिटी हमने खड़ी कर दी, हमने खड़ी करी ना हिंदुओं ने कि भाई अपने धर्म की और देश की रक्षा करने के लिए हमने एक कौम ही खड़ी कर दी। और इनका जो नानी याद दिलाई है हमने, ठीक है, हमारे लोगों ने भी बहुत अत्याचार सहन किया लेकिन हिंदू भी हटा नहीं, इसीलिए बाकी सब कंट्रीज में जहां जहां पर ये गंदी कम्युनिटी गई है इन्होंने पूरी कंट्री को ये कन्वर्ट कर दिया, किसी को 25 साल में किसी को 50 साल में। ये भारत ही है एक जहां पर पिछले 1000 से ये 1000 साल से ये अत्याचार करते आ रहे हैं लेकिन ये कुछ भी कर नहीं पाए। अभी इसलिए इन्होंने यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक गंदगी वाली फैमिली, इनको पकड़ लिया कि भाई यहाँ पर अब कन्वर्ट किया जाए, इस कंट्री को भी इस्लामिक बनाया जाए। और कांग्रेस ने देश के मोह तो उनके पास है ही नहीं, उनको कुर्सी से मोह है, उसके लिए ये किसी की भी अपीजमेंट करने को तैयार हैं, चोर चक्का हो, सोरोज हो, कोई भी एजेंडाधारी हो, ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, आपको देश के टुकड़े चाहिए हम करने को तैयार हैं। चाइना को भी इन्होंने ओपनली 2008 में बोल दिया था आपको अरुणाचल चाहिए हम देने को तैयार है, हमारी कुर्सी बरकरार रहे, ये इस लेवल तक गिर चुकी है पार्टी। इसलिए मैं बोलता हूँ राहुल गांधी पागल हो चुका है। राहुल गांधी को एक थोड़ा केमिकल लोचा भी है, उनका क्या है कि उनका खुद के पास कोई दिमाग नहीं है और वो जो नशा करते हैं बिल्कुल पक्का करते हैं, खुलकर बोल रहा हूं मैं, कोई ना कोई ऐसा नशा करते हैं, उसमें पता नहीं कौन सा केमिकल है जो उनका दिमाग अपने बस में तो है नहीं। ये जितने लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट हैं, जो पत्रकार घुस गए हैं, जो इनके सलाहकार बने हुए हैं रविश कुमार, तो वो उनके मुंह से भी रविश निकलता है, उनकी सोच भी पूरी रविश है, वो जो इनको आइडियाज देते हैं, जो इनको बोलने को दे देते हैं। देखिए ये जमीन से कभी परिवार जुड़ा नहीं रहा है, भारत की जनता की समस्या क्या है, एक ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, इनको कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये इनके आसपास की जो कोटरी है, वो कोटरी इनके कान में जो फूंक मारती है वही इनके मुंह से निकलता है। ये पुराने जमाने के जो वो कैसेट प्लेयर आते थे उसकी तरह है, एक कैसेट इनके उसमें डाल दिया जाता है बक्से में और ये फिर वो जितना कैसेट में भरा होता है उतना ये बकना शुरू कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाइना से कैसेट आई तो चाइना का गाना बजने लगा, सोरोस की कैसेट आई सोरोस का गाना बजने लगा, अभी कभी CIA भेज देगी तो CIA का गाना बजेगा, पहले KGB थी तो KGB का गाना बजता था। तो ये इनका अपनी कोई सोच नहीं है, इनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जमीनी कार्यकर्ता धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है, पर क्या है कि अपने अपने कई उद्योगपतियों के भी स्वार्थ है, उस स्वार्थ के चलते ये अभी तक बचे हुए हैं और ये अडानी अंबानी के इसलिए पीछे पड़े हैं कि इनको चंदा मिलना बहुत कम कर दिया। पहले जितनी मात्रा में चंदा मिलता था चुनाव के लिए पार्टी के लिए वो बहुत, अगर 100 रुपए में पहले मिलते थे तो अभी शायद 1 रुपए तक इनकी औकात उनको समझ में आएगी कि इनकी औकात 1 रुपए की, और ये आज भी मानते हैं कि हमारी औकात 100 रुपए की है, तो सुबह से शाम तक वो अडानी की कैसेट इनके मुंह में बजती रहती है। और अडानी की कैसेट डालने वाला चाइना है, अडानी हर देश में पोर्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके चलते चाइना की मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हो रही है।
तो चाइना इनको कैसेट में भर के देता है, वही ये लोग बोल रहे हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। चाणक्य का एक सूत्र वाक्य मैंने बताया था कि विदेशी माँ का बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। ये देशभक्त है नहीं, ये देशद्रोही है। ये मुझे कोर्ट में चैलेंज करे, मैं तैयार हूं। इसके नई कोर्ट में कपड़े उतार दिए तो मेरा नाम नहीं। इसका हर स्टेट में देशद्रोह झलकता है, देश के खिलाफ जहर उगलने वाली बातें ये करता रहता है। रविंद्र जी, आपको नहीं लगता कि बेचारा, देखिए 51-52 ईयर्स का हो गया है, सिंगल है, तो पप्पू पप्पू सारी देश बोलता है इसको, और कोई लड़की भी इसको देता नहीं है। इसकी अगर शादी कराई दी जाए, वैसे तो कोई लड़की देगा नहीं, क्योंकि पप्पू की वो कहेंगे पप्पी आ गई। अब पप्पी, आपको पता है कि हम इंग्लिश के अंदर पप्पी का मतलब है कुत्ते का बच्चा। अब कौन चाहेगा कि वो उसकी बेटी को कोई पप्पी बोले, तो इसलिए कोई लड़की भी देता नहीं है। आपको नहीं लगता इसकी अगर शादी कर दी जाए तो शायद ये जो पागलपन इसको छाया हुआ है, पागलों की हरकतें करता है, शादी के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा? हम कहते हैं ना कि एक बार शादी हो जाए तो अकल आ जाती है। ऐसा मैंने सुना है कि इसने, इसकी शायद इसने कोई गर्लफ्रेंड है, या विंबलडन टेनिस मैच देख रहा था उसके साथ बैठ के लंदन में, एक फोटो भी आई थी काफी समय पहले सोशल मीडिया पे, ऐसा सुना है मैंने। तो वो उसको शादी को डिक्लेयर नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या चक्कर है, हिंदुस्तान में तो इसको कोई लड़की नहीं देगा। हिंदुस्तानी इतने तो समझदार है कि ऐसे को, पगले को तो कोई लड़की देने से रहा। तो ये विदेशों में जाता है, वो विदेश में कहीं ना कहीं इसका कुछ जुगाड़ तो है, उस जुगाड़ के चक्कर में हर बार ये विदेश भागता है। नहीं सर, वो जो जुगाड़ है, वो जुगाड़ तो इसका बैंकॉक में है, जहाँ पे ये मेडिटेशन करने जाता है, ध्यान संध्या करने जाता है वहां पर, क्योंकि भारत में तो उस ध्यान लगाने की कोई जगह है नहीं। आपकी बिल्कुल बात सही है कि कोई भी अपनी लड़की इसको नहीं देगा। लेकिन मैंने एक बार सुना भी था कि इसको किसी ने बोल दिया कि अगर तूने शादी कर ली तो तू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, शादी के बाद तेरा प्रधानमंत्री के बनने का सपना खत्म हो जाएगा। ऐसी भी बात उड़ती उड़ती मैंने सुनी है, इसमें क्या सच्चाई है सर? देखिए, ये तो हिंदुस्तान की सच्चाई आजादी की बात की कि कोई भी जो विवाहित पुरुष रहा है, जिसकी श्रीमती जी जीवित हो, वो प्रधानमंत्री पद पर बहुत दिनों तक नहीं रुक सका है। वो आप विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदाहरण ले लें, चंद्रशेखर का उदाहरण ले लें, देवेगौड़ा का ले लें, तो ये बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए। बहुत लंबी पारी खेलने वाले विदुर रहे हैं या कुमारे रहे हैं, वाजपेयी जी की तरह। नरेंद्र मोदी ने विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को त्याग दिया था, उन्होंने वैवाहिक जीवन में प्रवेश ही नहीं किया। इंदिरा गांधी विडोवर थी, विधवा थी, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक राज किया। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी मर चुकी थी, उन्होंने लंबे समय तक राज किया। तो एक शायद ये वो कहते हैं ना, एक मिथक बन जाता है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो शायद इसलिए शादी नहीं कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन सर बात सुनो, आपने बोला कि जिसकी पत्नी नहीं है वही प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहता है, जिसकी पत्नी हो वो प्रधानमंत्री टिकता नहीं है कुछ समय के बाद। लेकिन मनमोहन सिंह जी की तो पत्नी थी, वो तो 10 साल राज किया उन्होंने। मनमोहन सिंह तो कठपुतली था सर। मनमोहन सिंह ने कब ऑर्डर पास किए हैं? पुलक चटर्जी नाम के एक आईएएस अफसर थे जो सारी फाइल लेके सोनिया गांधी के घर जाते थे, वहां से अप्रूवल होता था, उसके बाद कोई काम होता था। तो कठपुतली प्रधानमंत्री था। 10 साल तक वो सिर्फ इसलिए टिके रहे कि उनको ऑपरेट करने वाली विधवा थी। That means actual प्रधानमंत्री वही था जिसका ना पति हो या पत्नी ना हो, अदरवाइज प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। बात तो सही है आपकी कि प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी थी। हाँ, ये मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं। तो अच्छा, जो बात, जैसे हमने मोरारजी देसाई थे, ठीक, उनकी पत्नी तो थी मोरारजी देसाई, कितने लंबे समय टिके सर? वो बात तो सही है, ये भी बात सही है आपकी कि अगर हम विश्लेषण करें तो जितने सिंगल लोग थे वही टिके हैं, दूसरे टिके ही नहीं। इसलिए इनको किसी ज्योतिष ने बता दिया कि भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपको सिंगल रहना चाहिए या विधवा हो तो ही बन सकते हैं। दैट मींस कि रविंद्र जी, आप और मैं दोनों सोच रहे थे कि एक बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार मैं बनूंगा, तो हमारा पता तो कट गया। कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं है। हम ऐसे लगे हुए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैंने तो बोला था एक बार आप बन जाइए, एक बार मैं बन जाता हूँ, तो आपने तो मेरा आज दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम प्रधानमंत्री ना सही,
पर इस देश को जगा रहे हैं, ये हम शायद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनके ही देश की सेवा नहीं की जा सकती, और भी तरीके हैं जिससे देश की सेवा की जा सकती है, उसमें एक हम लोग कर रहे हैं ये। चलिए सर, आज बहुत गुफ्तगू करी हमने आज राहुल गांधी की कि भाई ये पागल क्यों हो रहा है। एक तो रीजन ये है कि इसको पता है कि अब जो आंच है वो बढ़ती जा रही है और ये इतनी आएगी कि इनकी चीखें पहली निकलनी शुरू। अभी तो मोदी जी ने एक नंबर पे आंच थी उसको दो नंबर पे किया है, 10 तक जाना है, दूसरे वाले में इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं और पागलपंती वाली स्टेटमेंट देने शुरू कर दी। मुझे था कि शायद शादी करके इसका कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन आपने बोला कि वो भी चांस नहीं है, क्योंकि पप्पू की पप्पी कोई भी बनना नहीं जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर ये शादी कर लिया तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और इसकी माँ का जो सपना है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे, वो नहीं होगा। मुझे एक स्वामी जी याद आ रहे हैं, मैंने उनके साथ बहुत टाइम लगाया पहले, वो पॉलिटिकल स्वामी रहे हैं और किंग मेकर भी रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला था एक बार कि राहुल गांधी और एलके अडवाणी, ये दो ऐसे आदमी हैं जिनकी राशि में प्रधानमंत्री बनना लिखा ही नहीं है। इसके अलावा एक बहुत पुरानी कहावत है भी कह ले, और एक मीडिया में बात चलती रही कि जवाहरलाल नेहरू की जब शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी तो जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल, वो कुंडली में बड़ा विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई और उसमें कमला नेहरू की कुंडली भी आई। कमला नेहरू एक बेचारे व्यापारी परिवार से थी, सामान्य ग्रहण जैसी आम हिंदुस्तानी लड़की होती है, सीधी साधी, जिसमें कोई चालाकी नहीं कुछ नहीं, तो उसकी कुंडली आई तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि इस लड़की से जो शादी करेगा उसकी 3 पीढ़ियां हिंदुस्तान पे राज करेगी, भारत पे राज करेगी। तो मोतीलाल नेहरू ने इसीलिए कमला नेहरू से जवाहरलाल नेहरू की शादी करवाई थी, तो वो 3 पीढ़ियां हो चुकी है, तो चौथी पीढ़ी का वैसे भी चांस नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई और राजीव गांधी हो गए, चौथी पीढ़ी का चांस मुझे लगता नहीं कि आने वाला है। आपने आज ना जो ये एंडिंग है, एंडिंग आपने बड़ी जबरदस्त करी आज कि भाई ये गंदगी वाली फैमिली का टाइम इज अप, इनसे पैसे निकलवाओ जल्दी से जितने इनके स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं, और इनको लात मार के इस देश से बाहर निकालो और इनको बोलो दोबारा से तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है, तुम्हारे पास जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसको लो और बाहर निकलो। और यही काम हमें बाकी जो इनके समर्थक है उनके साथ भी ये कुछ करना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा। चलिए रविंद्र जी, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं देश को जगाने का, देश को जागरूक करने का, और उन्हें बताने का कि भाई जो कुछ केरला में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, आपके साथ ऑलरेडी कश्मीर में हो चुका है, अगर आप यही चाहते हैं तो इनको वोट देते जाइए और देखते रहेंगे। और कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, तेलंगाना में, राजस्थान में, जैसी ये गंदी हरकतें ऑलरेडी इन्होंने करनी शुरू कर दी, हिंदुओं को कहीं ना कहीं तो अकल आ रही है। बाकी जहां पर नहीं आ रही उस पे आप और मैं लगे हुए हैं, हम भी छोड़ने वाले नहीं हिंदुओं को, जगाकर ही छोड़ेंगे इनको। आप और मैं हमारे YouTube चैनल के अलावा भी डेली एक्स पे, बहुत मतलब जिसको ट्विटर कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी डालते हैं जो कई बार हम लोगों से YouTube पे छूट जाती है। तो मेरा हमारे दर्शकों से निवेदन है कि हमें ट्विटर पे फॉलो करें तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पर डे मिलती रहेगी। हम लोग क्या है 2-3 दिन में 4 दिन में एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, आपको वहां पे करंट तत्काल मिल जाएगी। और एक हम लोग इतिहास की अभी नई चैनल खोल ही रहे हैं, तो इतिहास में हमको कहाँ कहाँ झूठ बोला गया वो सारा हम लोग उसके परखच्चे उड़ाने वाले हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करिए और हमारे देश के गौरव का गुणगान करिए। सर मैं आज आपका जो ट्विटर अकाउंट है और अपना भी ट्विटर अकाउंट, इन दोनों का लिंक मैं नीचे डालने वाला हूँ, और जो नया अकाउंट हम शुरू करने वाले हैं इसमें सारी हम स्टोरीज देंगे, इतिहास की भी, करंट भी, और ये जो करप्ट जजेस हैं, जैसे जैसे इन्होंने करप्शन करी है हमारे देश के अंदर, कैसे इन्होंने लूटा है हमें, हमारी संस्कृति को खराब करने की कोशिश करी है, ये सारी चीजें हम उसमें डालने वाले हैं। लोगों को मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन एक बार वीडियो डाल दें वहां पर तो मैं लिंक लोगों के साथ शेयर करूंगा उसको। तो रविंद्र जी आज थैंक यू सो मच, आज हमने इसके ऊपर बात करी, राहुल गंदगी के ऊपर। देखते हैं, और ये वीडियो मैं टैग करने वाला हूँ राहुल को, उसको दिखाने के लिए कि बेटा जो तू सोच रहा है कि इसके देश का प्रधानमंत्री बनना है तो शादी मत करना, नहीं तो तेरा पता कट जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय भारत सर। हाय देयर, इफ यू लाइक द वीडियो
Please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.